हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको जो वीडियो दिखा रही हूँ वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो मुझे किसी ने बहुत ही ज़्यादा अनुरोध किया था कि मैं उनके अंदर का छिपा हुआ राक्षस, जो बुरे विचार हैं, बुरी शक्तियाँ हैं, उनका बलि दूँ। तो मैंने उन्होंने बोला था कि कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल मैं चुन सकती हूँ, तो मैंने यहाँ टोमेटो लिया है। मैंने उनका रिक्वेस्ट इतना लेट से इसलिए की क्योंकि मैं कुछ अच्छा सा फ्रूट्स, अच्छा सा वेजिटेबल देख रही थी, थोड़ा बड़ा हो, पर मुझे अभी तक नहीं मिला। और आज है महिला दिवस, तो आज का दिन बहुत अच्छा था, तो आज भी उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आज बहुत अच्छा दिन है, तो आज ही आप मेरा वीडियो बना दीजिए। तो मैं आज के दिन ये वाला वीडियो शूट कर रही हूँ और आज ही के दिन आप ये वीडियो भी देख रहे हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि मैं इसकी बलि देने वाली हूँ अपने पैरों से। तो आपसे ये अनुरोध है कि बलि देने से पहले आप अपने जो भी बुरे विचार हैं, बुरी शक्तियाँ हैं, जो भी आपके अंदर राक्षस पल रहा है, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं, समाहित कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। उसके बाद मैं इसकी बलि दूंगी ताकि आपके अंदर का जो राक्षस है, जो बुरा सोच विचार, बुरे इंसान वाला जो भी सोच विचार है, वो इसमें समाहित हो जाए। आप अपना जो भी बुरा विचार है इसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसकी बलि दे दूंगी ताकि आपके अंदर का जो राक्षस है वो मर जाए। तो मैं इसकी बलि दूंगी। तो आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको 3 मंथ तक इस टोमेटो को बिल्कुल भी नहीं खाना है। और हाँ, इस फल को, जिस फल को मैं बलि देने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप इसको 3 मंथ तक बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि आपने आपके अंदर जो भी छिपा हुआ राक्षस है, जो भी बुरे विचार है, मैं इसमें समाहित करके बलि देने वाली हूँ। तो आप इस वेजिटेबल का, टमाटर का आप रिस्पेक्ट करें हमेशा, क्योंकि इसी फल का मैं बलि दे रही हूँ, मतलब वेजिटेबल का। तो आपको इसको रिस्पेक्ट करना है क्योंकि यही वो सब्जी है जिससे आपकी बुरी शक्तियाँ, बुरे विचार नष्ट होने वाले हैं। तो चलिए, मैं इसकी बलि दूंगी अपने पैरों से। जो भी बुरा विचार है, हर इंसान के अंदर बुरा विचार है, तो हर इंसान अपने जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने बुरे विचार इसमें डाल दीजिए ताकि मैं बलि दूँ, तो आपके अंदर का वो राक्षस, वो इंसान मर जाए। और सभी औरतों की रेस्पेक्ट करें। मेरे ख्याल से हर पुरुष के अंदर एक राक्षस होता है, हर पुरुष के अंदर। और आजकल तो वैसे भी ज़माना बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के अंदर भी अगर बुरी शक्तियां हैं, तो मैं उसे अपने पैरों से कुचल दूंगी, क्योंकि औरत, एक औरत के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, पर वो अपना विकराल रूप कभी कभी ही दिखाती है, क्योंकि औरत एक माँ है, पत्नी है, बहू है, बेटी है, बहन है, हर तरह से। तो मर्दों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट कुछ मर्द रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप हर औरत का रिस्पेक्ट करिए, चाहे वो कोई भी हो, आपके घर की हो या घर के बाहर की हो। तो अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो देख लीजिए इसी टमाटर की तरह औरत, एक औरत आप लोगों को मसल सकती है। तो प्लीज़ औरत को कमज़ोर बिल्कुल भी ना समझिए, बिल्कुल भी नहीं। और मैं खुद समझती हूँ कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तो चलिए, आइए मैं अब इस सब्ज़ी की, टमाटर की बलि दूंगी। तो उसके पहले मैं फिर से बोल दे रही हूँ कि आप हमेशा उस सब्ज़ी का आदर करिएगा और कभी भी अनादर मत करिएगा। और ये जो टमाटर है, उसने आपको एक सही इंसान के हिसाब से जीने का राह दिया है, ठीक है। तो आज के बाद आप किसी भी औरत को बुरा भला नहीं कहोगे और उनकी इज्जत करोगे। तो अपने सारे घमंड को सिर्फ अपनी बीवी के पांव के नीचे ही समर्पित करिएगा, ठीक है, क्योंकि
बीवी भी आपकी एक औरत ही है, तो इज़्ज़त करिएगा। और देखिए, मैं आपके अंदर के जो भी राक्षस है, जो भी आपका निर्गुण है, उसको मैं नाश करने वाली हूँ।